पाकिस्तान की टीम को पिछले 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली। जी हाँ, पाकिस्तान टीम जो कि करोड़ों रुपए कमाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रही है, क्रिकेट बोर्ड के अफसरान जिनके अकाउंट्स में लाखों करोड़ों की तनख्वाहें जा रही हैं, उन खिलाड़ियों को पिछले चार माह से एक सैलरी का एक दाना भी उनको नहीं मिला। मतलब उनको सैलरी में से एक रुपया भी नहीं मिला है। और इतलात हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स परेशान हैं कि लाजमी सी बात है, उनकी किसी की 45 लाख तनख्वाह है, किसी की 60 लाख तनख्वाह है, किसी की 40 लाख तनख्वाह है, किसी की 17 लाख है, किसी की 11, 12 लाख, 15 लाख तनख्वाह है। तो हर किसी खिलाड़ी की हर कैटेगरी के लिहाज से मुख्तलिफ जो तनख्वाहें हैं, और इन तनख्वाहों का मामला अभी तक अटका हुआ है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आगे नहीं बढ़ रहा। और पीसीबी का ये बताना है, ज़रा बताते हैं कि वो ये मानते हैं कि जब तक खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे, फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे, उनके साथ किसी भी किस्म का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 2 दफ़ा मौका दिया गया खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करने का, लेकिन दोनों दफ़ा वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके। पीसीबी का कहना है कि फिटनेस टेस्ट पास नहीं हो रहे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला आगे नहीं बढ़ सकता। खिलाड़ियों के करीबी ज़राए का हमारा बताना है, खिलाड़ी कहते हैं कि हम थके हुए होते हैं, ट्रैवल करके आते हैं तो हमें बोलते हैं फिटनेस टेस्ट करा लो। अभी चैंपियंस कप से फारिग हुए हैं, इधर फारिग हुए और इधर कहा कि आप जो 3 दिन के बाद आपका फिटनेस टेस्ट है। मतलब फिटनेस खिलाड़ी हैं, इंसान हैं हम भी, मतलब 3 दिन में अपनी फिटनेस को कैसे बेहतर बनाएं और कैसे जो है वो टेस्ट पास करें। यहाँ तक तो उनका एक्सक्यूज़ समझ में आता है। फ़खर जमान वाला जो इतराज़ था, याद होगा आपको कि उन्होंने कहा था कि वो वेस्ट इंडीज़ से 30 घंटे की फ़्लाइट लेकर आए, उन्होंने कहा कि अगले दिन आप जो है वो फिटनेस टेस्ट दें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये एक्सक्यूज़ करना कि हम खिलाड़ी हैं हम फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकते, तो ये भी मुनासिब नहीं है। मतलब आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप 50-50, 60-60 लाख रुपये तनख्वाहें ले रहे हो, करोड़ों रुपये कमा रहे हो, तो फिटनेस भी तो आपकी फिर वैसी होनी चाहिए ना, आपकी फिटनेस भी मसाली होनी चाहिए। मतलब आपको कभी भी कहीं भी कोई भी फिटनेस ट्रेनर कहे कि भाई आपने टेस्ट लें, तो आप विद इन सेकेंड्स तैयार हो जाओ। आपकी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जब फिटनेस टेस्ट का कहा जाए तो उस दौरान आप फिटनेस टेस्ट की प्रिपरेशन करके आओ, फिटनेस टेस्ट दो, उसके बाद फिर आपका पेट निकला हुआ हो। मतलब आपको साल के 12 महीने 365 दिन आपको फिटनेस के लिए तैयार रहना चाहिए। ये खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो नहीं देते। बेशतर खिलाड़ी को आप देख लें, उनकी तोंदें निकली हुई हैं, उनके पेट निकले हुए हैं, और वो बिरयानियाँ खाते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। मतलब हम भी खाते हैं, लेकिन हम क्रिकेटर नहीं है ना, हमारे ऊपर ये चीज़ हमारा कोई फिटनेस टेस्ट नहीं है। तो जिनका काम ही फिटनेस को बेहतर बनाना है, जिनका काम ही फुर्तीला रहना है, जिनका काम ही हर वक्त जो है चाको चौबंद रहना है, अब वो अगर पेट निकाल कर बैठ जाएंगे तो फिर इशू बनेगा। बहरहाल ये भी एक जवाब नहीं होना चाहिए कि भाई हम थके हुए होते हैं तो हम फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकेंगे। खिलाड़ियों को हर हाल में, हर सूरत में फिट रहना चाहिए, साल के 365 दिन फिट रहना चाहिए, और हर सूरत में जब उन्हें कहा जाए भाई आपको आना है, आपको जो है वो अपना फिटनेस टेस्ट देना है, तो आप तैयार जो बैठे हुए हों। हाँ, ये भी ज्यादती है कि आप उनको लंबे लंबे सफ़र से बुलाएं और बोले कि अभी के अभी हाथ के हाथ जाओ टेस्ट दो, और फिर वो फिटनेस टेस्ट पास ना कर पाए तो आप एक बहाना बनाकर उनको आप साइडलाइन कर दो, तो इस तरह से भी ज्यादती मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और मेरे ख्याल क्रिकेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो बैठ कर अब इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, या तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पिछली तनख्वाहें दे दी जाएँ, 1-2 महीने का टाइम दिया जाए। भाई 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, 3 महीने बाद जो खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट क्लियर करेगा उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब आगे नहीं बढ़ेगा। ये 1-2 हफ्ते बाद अगर आप दोगे तो 1-2 हफ्ते में कोई भी इंसान, मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया और उसकी उसका जो है 4-5 किलो वजन आपने कम कर दिया, 6 पैक्स बना दिए और उसको फुर्तीला कर दिया, ऐसा नहीं होता। इंसान की बॉडी ऐसी कि उसको फिट रहने के लिए, फिट होने में, अपनी बॉडी को बेहतर बनाने में महीने चाहिए होते हैं, बाज़ों का सालों चाहिए होते हैं। तो आप खिलाड़ियों को बता दें भाई ये प्लान है, आपने इसके ऊपर अमल दरामद करना है, 3-4 महीने का मिनिमम टाइम है आपके पास, वो उसके ऊपर अमल दरामद करें ना करें, आप उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोकें, लेकिन पिछले 4 माह से खिलाड़ी को तनख्वाहें ना देना ये भी एक तरह से सरासर ज्यादती है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड इन खिलाड़ियों से कमाता है ना भाई, जब उनसे कमाते हैं तो उनको पैसे भी दो, तो ये उनका बुनियादी हक है जिसके लिए वो खेलते हैं, इसी से उनकी दाल रोटी चलती है, मामला चलते हैं, घर का निज़ाम चलता है। लाजमी सी बात है, जितना अच्छा वो कमाते हैं उतने अच्छे उनके खर्चात भी घरों पे होते हैं। तो पीसीबी को इस मामले को भी देखना चाहिए कि खिलाड़ियों की जो फिटनेस है उसको फिलहाल मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बहाल करें और फिटनेस के लिए 1-2 महीने का टाइम दे दें, जो टेस्ट पास करे वो आगे बढ़े, जो टेस्ट पास ना करे उसको हटा कर नया जो है नए लड़के ले आए, जो टेस्ट पास कर रहे हो फिटनेस को अपनी बेहतर बना रहे हो। हाँ, जो जानबूझकर फिटनेस बेहतर ना बनाए उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दें, उनको बोले अगर आपको हमें मैच की जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे, नहीं तो बेटा आप घर में बैठो साइड पे हो।
तो तनख्वाहें ना देना मेरा ख्याल ज्यादा है, और फिटनेस ना बेहतर बनाना ये भी अपने आप में जो है वो गलत बात है। तो दोनों को बैठकर इसका कोई बेहतरीन हल निकालना चाहिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला खुश असलूबी से आगे बढ़ते रहें।